रायपुर रेल मंडल में स्थित सुपेला अंडरब्रिज को यात्रियों के लिए आवागमन हेतु खोल दिया गया है, जिसका फायदा स्थानीय नागरिकों को मिलेगा। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति आशीष मिश्रा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ मंडल अभियंता मौजूद रहे। ये अंडरब्रिज संपार फाटक 442 पर बनाया गया है। ये ब्रिज लगभग 32 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये एक रेगुलर तरीके का काम है रेल का, इसको रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं। इसका एक स्पेशल तरह का डिज़ाइन है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके तीन तरह के एग्जिट्स हैं इसमें। तो एक वाई शेप डिज़ाइन में ये बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये। इसी तरह का एक ब्रिज और रायपुर में क्वालिटी गेट पे, जिसको बोलते थे पहले, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के दफ्तर के बाजू में ही खुला हुआ है, उतना ही बड़ा ये ब्रिज है। और ये काफ़ी टाइम से लंबित था, ये आज पूरा हुआ है और ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। कितनी लागत है? पहले तो आप ये बताइए कि ये डिज़ाइन कैसा है, लागत की बात तो बाद में होगी। बहुत अच्छी है, पहली बार यहाँ तो काफ़ी कम लागत है इसकी। इसका टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो करीब 26 करोड़ का है, जिसमें कि इस का पुल का बनना, इसके इसके भीतर की जो मेंटेनेंस होगी उसकी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी किफ़ायत लागत पर बना हुआ है। और ये पहले यहाँ फाटक हुआ करता था, जिससे कि जो सरफेस पे था और जिससे कि रेल में और सड़क के यातायात में एक दूसरे को बाधित करते थे, वो अब सब खत्म हो जाएगा इस पुल के बनने के बाद में। तो अगर आप उसको उस संदर्भ में देखेंगे तो ये लागत ना के बराबर है। और रेल का, रेलवे का और गवर्नमेंट का, स्टेट का यही प्रयास है कि देश भर में इस तरह के फाटक बनाए जाएं और जो सरफेस फाटक हैं, जिनको हम लेवल क्रॉसिंग गेट्स बोलते हैं, उसको बंद किया जाए और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो संपार फाटक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन में जब बात करते हैं तो हमेशा इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर इसका सही सुचारू रूप से मेंटेनेंस होगा तो इसमें कोई खामी नहीं होगी। खामियां होती थी पानी रुकने का ज़्यादा। आप किस गेट की बात कर रहे हैं बताइए? इसके पहले चंद्रम। आज की तारीख में रायपुर मंडल रेल मंडल में बहुत सारे LCs हैं, जिसपे कि बहुत सारे ऐसे तरह के अंडर ब्रिजेज हैं। पानी की समस्या विरले ही आती है, और उसका जब जिस समय बहुत तेज़ बारिश होती है पूरे शहर में पानी भर जाता है। तो जो रोड अंडर ब्रिज है वो भी शहर से अछूता नहीं है। जब सारे शहर में पानी भरेगा तो यहाँ कुछ पानी भरेगा, तो पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के ब्रिजेज में। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये ज़मीन सतह से नीचे है, हम 6 से 8 मीटर नीचे सतह से गए हुए हैं। तो लाजमी है कि इसमें कुछ ना कुछ पानी का बहाव रहेगा। बहुत ज़्यादा जब बरसात होती है और इसमें पानी का बहाव आता है तो उसको पानी को निकालने की अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो वो पानी नहीं रुकेगा। और इसका जो सूचक है वो यही है कि जो इसका रोड ट्रैफिक है वो बाधित नहीं होना चाहिए। अगर वो हम कर पा रहे हैं तो पानी को तो कोई समस्या नहीं है। तो उसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल है, सुचारू रूप से चल रही है। इसकी टेस्टिंग हुई है, पर जब बारिश आएगी तो इसकी सही टेस्टिंग होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का डिज़ाइन है, अगर डिज़ाइन को ठीक से हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई समस्या आती नहीं है। इसका जो ट्रैफिक प्लान है वो आप देखेंगे कि एक तरफ से एंट्री है, दूसरी तरफ से एग्जिट है। इतने लंबे डायरेक्शन, इतने लंबे पुल में दोनों तरफ से, सब तरफ से ट्रैफिक खोलने में दिक्कत आती है। इसको जिस तरीके से यहाँ के नगर निगम के द्वारा इसको सुझाव दिया गया था, ट्रैफिक फ्लो वैसे ही रहेगा। थैंक यू।